उज्जैन पुलिस की मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ लगातार सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। उज्जैन के थाना नीलगंगा, चिमनगंज, जीवाजीगंज द्वारा कार्रवाई करते हुए कुल 4 आरोपियों एवं एक नाबालिग आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से कुल 133.36 ग्राम स्मैक पाउडर, जिसकी कीमत 8,46,580 रुपए है, वहां बरामद किया है। पुलिस आरोपियों से जानकारी जुटाने में लगी है कि इनके तार कहां कहां जुड़े हैं। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि शहर में अवैध रूप से मादक पदार्थ शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ धरपकड़ जारी है और सभी थाना क्षेत्रों में इनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जहां उज्जैन के 3 थाना क्षेत्रों की पुलिस और क्राइम ब्रांच व साइबर सेल की टीम द्वारा 4 आरोपियों और एक नाबालिग आरोपी को अवैध रूप से स्मैक पाउडर की तस्करी करते हुए हिरासत में लिया है। उसी अनुक्रम में हमारी कार्रवाइयाँ पिछले साल भी काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। इस साल भी हमें एक नए नेटवर्क का जैसे ही पता चला, उसमें एडिशनल स्पेशल अभिषेक आनंद और सीएसपी क्राइम श्री विनोद मीणा की टीम ने काम करना शुरू किया और हमारे पास एक विस्तृत सूचना प्राप्त हुई थी कि मंदसौर का विषय है नशे पर प्रहार। उसी अनुक्रम में हमारी कार्रवाइयाँ पिछले साल भी काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। इस साल भी हमने एक नए नेटवर्क का जैसे ही पता चला, उसमें एडिशनल स्पेशल अभिषेक आनंद और सीएसपी क्राइम श्री विनोद मीणा की टीम ने काम करना शुरू किया और हमारे पास एक विस्तृत सूचना प्राप्त हुई थी कि मंदसौर से एक खेप आ रही है, जो यहाँ एक जीवनगंज थाना क्षेत्र में कनीपुरा में डिलीवर होने की जानकारी मिली थी। उस पर जब काम किया तो हमने 2 महिलाओं को पकड़ा और उनके कब्जे से 60 ग्राम स्मैक बरामद हुई। जो पूछताछ हुई और उनके पूछताछ के दौरान हमें उज्जैन के और भी नेटवर्क का मालूम पड़ा, तो उसमें 2 कार्रवाइयाँ हमारी और हुई है। एक प्रकरण में 48 ग्राम और दूसरे प्रकरण में लगभग 24 ग्राम, इस तरह से लगभग 133 ग्राम के आसपास स्मैक बरामद हुई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे। उन्होंने उज्जैन को धार्मिक नगरी घोषित करने की मांग को लेकर कहा कि उज्जैन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का लगाव है, वे भगवान महाकाल के परम भक्त हैं। उज्जैन के लिए कोई भी बात आती है, सबसे पहले मुख्यमंत्री उज्जैन आते हैं और उसका निराकरण करते हैं। संतों ने भी धार्मिक नगरी को लेकर बात रखी है, उज्जैन धर्म नगरी होना चाहिए, उज्जैन जल्द ही धार्मिक नगरी घोषित होगी। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर कहा कि पिछले कुंभ महापर्व के दौरान शिप्रा शुद्धिकरण के लिए नर्मदा को लेकर आए थे, उस प्रोजेक्ट में बहुत खर्च हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रयास कर रहे हैं कि शिप्रा साफ हो जाए। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है आने वाले उज्जैन के कुंभ महापर्व में शिप्रा साफ सुथरी मिलेगी। आपने देखा होगा जब हमारा यहाँ पिछला कुंभ था, कुंभ के मेले में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा प्रोजेक्ट लिया था कि नर्मदा जी को वहाँ से ला करके यहाँ लेके आए थे, परंतु आपने देखा होगा उसमें खर्चा कितना पड़ा। सबसे बड़ी जो यहाँ दिक्कत है शिप्रा जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये रहा है कि कैसे भी हो ये जो हमारी शिप्रा है ये साफ हो जाए, तो वो लगे हुए है और बहुत में हमारा ये मानना है कि आने वाला जो मेला होगा उज्जैन का कुंभ होगा उसमें जो है हमें शिप्रा जी बिल्कुल साफ मिलेगी, स्वच्छ मिलेगी, शुद्ध मिलेगी और सभी लोग जो है शिप्रा में स्नान करेंगे और मेला करेंगे। बाजार से चाइना डोर बिकना बंद हुई तो चाइना डोर और पतंगबाजी के शौकीन लोगों ने अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनी से डोर को मंगाना शुरू कर दिया है। ये इसलिए क्योंकि प्रशासन की सख्ती के बाद बाजार में खुलेआम बिकने वाली डोर अब मिल नहीं रही है, जिसके कारण अब लोग अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित अन्य ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियों को ऑर्डर देकर मंगवा रहे हैं। दरअसल इसकी वजह यह है कि उज्जैन में चाइना डोर पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन अन्य शहरों में ये खुलेआम बिक रही है, इसलिए ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियां भी इसे आसानी से घर तक पहुंचा रही है। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी साइट पर 800 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक चाइना डोर मिल रही है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि सख्ती के आदेश के बाद हमने कार्रवाई की है, आगे भी ये कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी। अगर किसी ने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चाइना डोर उज्जैन में मंगवाई तो उसके खिलाफ भी उसी तरह की कार्रवाई होगी जैसी कि इससे पहले वालों पर हुई है। चूंकि उज्जैन में चाइना डोर के क्रय विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध है, इसलिए कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डोर को ना खरीदे। हमने धारा 144 का आदेश इस बार बहुत पहले ही निकाल लिया था, इसको प्रतिबंधित किया था, अच्छे तरीके से जागरूकता का प्रचार प्रसार भी हमने किया है। अभी नगर निगम की जो कचरा गाड़ी है उसके ऊपर भी इसका बजना जो है स्लोगन के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। हमने घर भी इस संबंध में गिराने कार्रवाई करी है, जहां पर जखीरा जो है हमको मिला था। पुलिस की तरफ से लगातार जागरूकता के साथ साथ ड्रोन का उपयोग करके भी इस पे नजर रखी जा रही है।
भविष्य में अगर आपको ही बेचता हुआ पाया जाएगा तो निश्चित रूप से राचुका के तहत हम लोग उसको निरुद्ध करेंगे, उसको जेल भेजने की कार्यवाही करेंगे और भी कड़ी कार्रवाइयां करेंगे। आपके माध्यम से मैं आम लोगों से जरूर ये कहना चाहूंगा कि कृपया अभी भी संभल जाएं, अभी भी कई सारी जान जा चुकी हैं, कई सारे लोगों को घायल होना पड़ा है। कृपया चाइनीज मांझे का प्रयोग बिल्कुल न करें, और अगर ऐसा करते कोई पाया जाता है तो हमारे द्वारा ये भी विचार किया जा रहा है, उस व्यक्ति के खिलाफ भी जो धारा 144 का आदेश निकला है उसके अनुक्रम में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्रवाई करी जाएगी। पिछले दिनों भोपाल में करणी सेना द्वारा अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, जहां प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्व भी माहौल खराब करने की नियत से आंदोलन में शामिल हुए थे। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपशब्द कहे थे, जिसके विरोध में आज FIR करने की मांग को लेकर किरार धाकड़ समाज के युवा व्यवसायी ने उज्जैन SP से मुलाकात की। मामले में FIR करने हेतु लिखित आवेदन भी दिया। आवेदनकर्ता का कहना है कि मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद होता है, ऐसे में प्रदेश के मुखिया को अपशब्द कहना उचित नहीं है। कुछ लोग करणी सेना के विरोध प्रदर्शन में माहौल खराब करने की नियत से आंदोलन में शामिल होकर अनर्गल और अपशब्द कह रहे थे, जिन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हाल ही में जिस प्रकार से भोपाल में करणी सेना के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें देखा कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बहुत ही अशोभनीय अमर्यादित भाषाओं का उपयोग हमारे यशस्वी एवं संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के लिए किया गया, जो कि ये कृत्य किया गया है घोर निंदनीय है, और इसका हर वर्ग, हर समाज, हर नागरिक मध्य प्रदेश का घोर निंदा करता है इसकी। आज उज्जैन जिले में समाज के लोगों के द्वारा माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है, जो कि आपको उपलब्ध करा दिया गया है। इस ज्ञापन में हमने मांग की है कि ऐसे लोगों को शिनाख्त करें, पहचान करें और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जावे। ये चूंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे किरार धाकड़ समाज से भी संबंधित है, मैं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरार समाज से रहा हूँ और आज भी समाज के साथ में हूँ। किसी भी समाज के व्यक्ति को इस प्रकार से गाली गलौज करना, अमर्यादित भाषा का उपयोग करना, अशोभनीय भाषा का उपयोग करना, हमारे किरार धाकड़ समाज के मान सम्मान का हनन हुआ है, समाज की प्रतिष्ठा का हनन हुआ है। तो निश्चित रूप से पूरा समाज आज एकजुट है, और समाज ही नहीं, सारे वर्ग जितने भी हों, मध्य प्रदेश का हर वर्ग आज मुख्यमंत्री जी के साथ में है। उज्जैन में पुलिस ने लेडी डान को गिरफ्तार किया है। युवती ने दहशत फैलाने के लिए रिवॉल्वर और चाकू लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो फोटो अपलोड किए हैं। वह गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप को रोल मॉडल मानती है। दुर्लभ की तरह माथे पर टीका और गले में गमछा पहनकर कई फोटो भी डाले। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी पवासा गजेंद्र पचौरिया को गुरुवार को सूचना मिली थी कि पवासा मल्टी के पास रास्ते में एक युवती चाकू लहराते हुए आते जाते लोगों को धमका रही है। इसके चलते वहां लोग दहशत में हैं। इस पर पुलिस वहां पहुंची और घेराबंदी करके युवती को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चाकू और 200 रुपए जब्त किए हैं। पूछताछ में युवती ने अपना नाम सोनिया उर्फ नेपू बताया है। वह नानाखेड़ा क्षेत्र के आनंद नगर की रहने वाली है। जब वह छोटी थी तभी उसके पिता का निधन हो गया था। श्रीमान IG साहब, DIG साहब, SP साहब और SLSP साहब और CSP साहब के निर्देशन में हम लगातार सोशल मीडिया पर जो यूथ हैं वो भ्रामक जो संदेश फैलाते हैं जिससे समाज में अराजकता बढ़ती है, उसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। तो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के पालन में हमने आज एक ये लड़की है जो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम ID पर लगातार अपने हथियारों के साथ में फोटो शेयर कर रही थी, उसको हमने चाकू के साथ पकड़ा। ये एक पुरानी घटना है, इस लड़की को कुछ लड़कों ने चाकू मारे थे, वो मक्सी रोड गोपालपुरा के आसपास की घटना है और बाकी डिटेल सब पता किया जा रहा है कि किन किन के संपर्क में है। महाकाल थाना क्षेत्र में 3 भिक्षुकों की मौत के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को देर रात उठाकर रेन बसेरों में सोने हेतु पहुंचाया। इस दौरान जिन लोगों के पास कंबल नहीं थे उन्हें कंबल भी वितरित किए गए।